तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एडवांस एक्सेल की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम बात कर रहे हैं टेस्ट स्पेशल का। और जहां तक लास्ट क्लासेस थी जो कि आपने आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, मोहन जी से थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉपी पेस्ट के कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में, पेस्ट स्पेशल में, जैसे कि फॉर्मूला कब लेते हैं, वैल्यू कब करते हैं, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, ये चीजें थी हमने बात की। मोहन जी, मैंने आपको एक रिसर्च भेजा था कि हम 20 है और 30 है, अगर हम 30 को कॉपी करके अगर 20 के ऊपर पेस्ट स्पेशल करें और वहां पे अगर मैं ऐड क्लिक करूं तो क्या होता है? नॉर्मली अगर नन क्लिक करता हूं तो क्या होता है, 30 20 को रिप्लेस कर देता है, ऐड क्लिक करूं तो 20 और 30 आपस में ऐड होके यहां पे 50 हो जाएगी, राइट सर? तो अब मैं ये जानना चाह रहा था कि बेसिकली इसका यूज क्या होता है, ऑफिशियली यूज क्या होता है, और आप लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं मोहन जी, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता क्या है। चलिए उससे पहले हम परसेंटेज सिस्टम को समझते हैं कि हमारा परसेंटेज सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमने यहां पे 20 लिया और 20 लिख के हमने परसेंटेज लिख दिया, एंटर मारा तो 20% हो, मतलब दिख रहा है 20%, बट एक्चुअली में क्या है 0.02%, कितना है 0.20%, 20 मतलब कि 100 से वो ए हो जाता है, मतलब कि डिवाइड हो जाता है कोई भी अगर आप देते हैं, राइट सर? अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, अगर आपने यहाँ पे 20 लिखने के बाद इसके ऊपर परसेंटेज दिया तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होके 2000% हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम के लिए 1 = 100%, राइट सर? तो मतलब कि अगर मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 लिखूंगा और इसके ऊपर मैं परसेंटेज का सिंबल, ओके? हमारे एक कलीग थे जो हमें एक डेटा भेजते थे जिसमें वो परसेंटेज का हेडिंग देते थे, ठीक है सर, और मुझे डेटा भेज दिए, मतलब कि 86 नहीं है, 86%, मतलब मैं क्योंकि सिस्टम को समझता है, मतलब कि मुझे अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मान लीजिए मुझे किसी का मतलब 500 का 86% निकालना है, तो मुझे यहाँ पे 86% को परसेंट फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके बाद ही नहीं इसको निकालेगा परसेंटेज मल्टीप्लाई करने को, क्या मतलब डिवाइड बाय 100 का लगाना पड़ेगा, तो मेरा जो ये डेटा जहां मैं पेस्ट करता था वो परसेंटेज सिंबल वाला परसेंटेज को समझता था, ठीक है? मुझे इसको एक एक करके परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा, इसमें काफी टाइम लगने वाला था। हम लोग क्या करते थे कि किसी एक सेल पे 100 को रखते थे, 100 कॉपी किया, पूरे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे हमारे पास हमने डिवाइड कर दिया, फिर परसेंटेज का सिंबल दिए तो परसेंटेज बन गया, क्या सर?
अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं नीम है हमारे पास, किसी और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट और यहाँ पे उनके प्रोडक्ट है और यहाँ पे उनके सेल, क्या फिर इसको हम ड्रैग कर देते, कॉपी करके हम वैल्यू पेस्ट कर दे ताकि रैंडम फॉर्मूला हट जाए। तो अब मुझे क्या है कि पूरे एरिया को परसेंटेज में 70% से करना है, मतलब इसका जो टारगेट है हमारा वो सेवेंटी है, तो मैं कॉपी करूंगा और 70 सबको डिवाइड करके अपना परसेंटेज निकालूंगा कि कितना कितना परसेंट सेल किया है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर किसी का, हर प्रोडक्ट का टारगेट अलग अलग होता है, जैसे कि यहाँ हो रहा है। कॉपी किया वैल्यू पेज, तो हम पूरी की पूरी इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वन टू मतलब एक से ज्यादा पे या फिर पूरी की पूरी, क्योंकि सीक्वेंस होना चाहिए, सेम सीक्वेंस है तो आपने इसको पेस्ट कर, ऑपरेशन कर लिया तो आप डिवाइड कर लिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे भी हो सकती है कि यहाँ पे अगर पहले से कोई फॉर्मूला हुआ तो, मतलब कि इसमें पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है तो आप मुझे फॉर्मूला रिमूव भी नहीं करना है और अपना परसेंटेज जैसे कि डिवाइड भी करना है। तो जब आप इसको कॉपी करेंगे इसमें राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे आपने कर दिया डिवाइड, तो क्या करेगा उसके अंदर जाके डिवाइड करेगा। देखिए एक चीज और यहां हो सकता है, मान लीजिए कि जहां हम कॉपी कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी फॉर्मूला है, ठीक है, तो दोनों तरह फॉर्मूला, ए भी फॉर्मूला से आया हुआ है, ए भी फॉर्मूला से आया हुआ है, तो फिर पेस्ट स्पेशल में अगर हम यहां पे डिवाइड किया तो यहां देखिए फॉर्मूला वर्सेस फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले को आपस में मर्ज कर देगा। साहब तो फॉर्मूला में डॉलर साइन बगल ला लीजिएगा, लेकिन नहीं, मुझे एक यहां पे फॉर्मूला रखना है लेकिन इसमें से फॉर्मूला नहीं वैल्यू उठाना है सिर्फ, तो पेस्ट स्पेशल में यहां पे वैल्यू कर दे और तो यहां पे डिवाइड करे, तो ये देखिए सिर्फ वैल्यू को इसने डिवाइड किया। तो मोहन जी, रक्षित जी एंड विक्की जी, समझ में आ गया यस सर। पेस्ट एज ए ऑपरेशन। कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। अब बात करते हैं पेस्ट एड्रेस की ब्लैंक। जैसे कि डेटा में कहीं कहीं पे हमारे पास 60-70 इस तरह से है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि
कि मुझे पेश करना है नंबर, मतलब जो बीच वाला वैल्यू जैसे तैसा आना चाहिए, मतलब कि अपडेट 29 50 होना चाहिए। तो मुझे 50 का कॉपी कर दिया, इस पे पेस्ट कर दिया, सारे को कॉपी किया, इस पे पेस्ट कर दिया। एक ही कॉपी करने में तो काफी टाइम लगेगा क्या सर? तूने पूरे डेटा को कॉपी सिलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू। वैल्यू ऐड कीजिए यहाँ पे इसकी ब्लैंक, और ट्रांसपोज तो आपको पता ही है कि ट्रांसपोज क्या करता है, क्या सर? वो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हाँ वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करता है। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर। जिसे मान लीजिए ये चार्ट है, ये चार्ट, इसी चार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। अब इस चार्ट को मुझे कॉपी करके यहाँ यहाँ पे रखना है, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि दो चीजें हो सकती है। एक तो जहां से चार्ट आ रहा है कहा गया, जहां से चार्ट आ रहा है उसका रेफरेंस लेकर रखेगा, देखिए ऊपर रेफरेंस है ना, तो ये डेटा लिंक हो जाएगा। हमें इसकी डेटा से कोई मतलब नहीं, मुझे सर चार्ट दिखाना है, डेटा हमारा चेंज भी होने वाला नहीं है कभी, फिक्स है। तो इसको कॉपी कीजिए और उसके ऊपर पेस्ट है या पिक्चर। तो पेस्ट पिक्चर करने से फायदा क्या होगा कि हम चार्ट को अपने हिसाब से छोटा और अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। हमने इमेज बना लिया, ऑब्जेक्ट से इमेज बना लिया, तो क्या ऐसी काम हम अपने डेटा के लिए भी कर सकते हैं? तो कभी कभी डैशबोर्ड में डेटा को भी इसी तरह से भी करना होता है। तो इसको हम कॉपी किए और इसको भी हमारे पास पेज जो पिक्चर है उस पर कर दिया। बट प्रॉब्लम है कि इसको अपने हिसाब से छोटा करेंगे ठीक रहेगा, तो डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में इसकी जरूरत होती है छोटे छोटे चीज को रखने के लिए, समझे? लेकिन आपका डेटा जब चेंज होगा तो ये चेंज नहीं होगा। इसको कॉपी करके हम यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करते हैं। अब आपका डेटा चेंज होगा या डेटा कलर भी चेंज होगा तो आपका यहां पे चेंज हो जाएगा। तो क्या हम सेल को भी लिंक कर सकते हैं? ये तो पिक्चर के रूप में लिंक हुआ ना, हम नॉर्मल लिंक करना चाहते हैं। तो लिए आप इक्वल प्लेस करें, दो तरीका है, इक्वल प्लेस करें जहां से लिंक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करो, फिर ड्रैग ब्रैग करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया। या दूसरा है कि आप कॉपी करें और पेस्ट स्पेशल के अंदर एज ए पिक्चर लिंक कर दो। तो ये आपका डेटा की तरह लिंक हुआ, ये आपका इमेज की तरह लिंक हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है पता चल गया आपको? यस सर। मोहन जी आप पता चला? मोहन जी हाँ सर पता चला। सॉरी, अब जैसे कि एक चीज और मैं सिखाता हूं, चलिए मैं यहां पे मंथ लिखता हूं और यहां पे सेल, नीचे की तरफ फिर इसको कॉपी करके हम डिफरेंट डिफरेंट फीट में रख देते हैं, ठीक है, और कॉपी पेस्ट है।
अब क्या है कि मुझे इसको सीट के ऊपर सबको एक 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 कुलेट करना है, जैसे कि आप इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे पेस्ट करेंगे, फिर दूसरे सीट पे जाएंगे इसको कॉपी करेंगे, फिर इसके नीचे जाके हम पेस्ट करेंगे, एक के नीचे इस तरह से, क्या सर? तो इसमें तो टाइम लगेगा। अब इसके लिए ऑटोमेशन जो है हम वीवीए के थ्रू कर देते हैं, लेकिन हर बार वीवीए को लिखना पॉसिबल तो नहीं है ना, हर कोई लिख सके, तो हमारे पास इसके लिए एक उपाय है, लेकिन हम इसको ये नहीं कहते पूरा ऑटोमेट होगा, लेकिन आपका आधा काम कम कर देगा। कैसे? मैं कॉपी करने से पहले क्लिपबोर्ड को ऑन करूंगा। क्लिपबोर्ड को ऑन करने से क्या होता है कि आप जो भी कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाता है, ऐड हो गया, तो आप जस्ट कॉपी करें, पेस्ट की चिंता छोड़ दें, जस्ट सेलेक्ट करें और आप कॉपी करें, सेलेक्ट कॉपी, ऑल्सो सेलेक्ट कॉपी, और जब आपकी सारी कॉपी हो जाए तो सिलेक्ट करके यहां पे पेस्ट ऑल करो, तो आपका एक ही बार में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पेस्ट हो जाएगा। समझ गए? आधा काम बच गया ना सर? यस सर। ले अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या हम एक्सेल में कर सकते हैं? क्वेश्चन है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, क्या डायरेक्टली पेस्ट ऑल कर सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट पेस्ट ऑल कर दीजिए, जहाँ पेस्ट करना है वहां डायरेक्ट पेस्ट ऑल कर सकते हैं, जहां से पेस्ट स्टार्ट करना है वहां पे कर्सर रखिए और पेस्ट ऑल कर दीजिए। ठीक है ना? ओके ओके। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सेल पे ही, कहीं से मान लीजिए कि मैं, मान लीजिए कि मेरे पास ये है, मैं बहुत सारी चीज यहाँ से करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं अलग अलग जगहों से कॉपी कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना? तो कहीं से भी कॉपी करेंगे आप ना, 2 of 24, तो एक बार में आपका 24 ऐड होगा, तो इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर क्लियर करके फिर 24 को ऐड कर सकते हो। ठीक है? हेलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। जैसे हमने यहाँ से हर पेज से सेलेक्ट कर लिया तो उसमें हेडिंग भी कॉपी हो रही है, इफ हम चाहते हैं कि हेडिंग एक ही बार रहे। कॉपी करेंगे वही ना कॉपी होगा, तो हेडिंग नहीं कॉपी की क्या? अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके ठीक है, ओके 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 ओके। सर इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, जैसे वर्टिकली जो आ रहा है? नहीं सर, पेस्ट के नीचे हॉरिजॉन्टल पेस्ट नहीं होगा। उसको ट्रांसपोज कर लीजिए बाद में। ठीक है, क्या सर नीचे ये ऑप्शन लिखा है, ये क्या हो सकता है? यहाँ पे सेटिंग वेटिंग होगा, यहाँ पे होता है। डिटेल में हम हमेशा हर हर फील्ड से नहीं जाते, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आता है, आती फॉर्मेट पेंटर की, जैसे कि हमने यहाँ पेंट यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया, हमें सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर पे फॉर्मेट करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इस फॉर्मेट पेंटर को ऑन करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो सेम पेंट हो जाता है, लेकिन मुझे कई सारे जगहों पर करना है तो कई बार मुझे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना पड़ेगा इस तरह। तो इसका आसान से उपाय है कि मैं इस पर डबल क्लिक कर दूं और फिर मैं क्लिक करते जाऊँ, ये हटेगा कब, जो वापस मैं इस पे क्लिक करूँ, डबल क्लिक एस्केप, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते। तो मेरे हिसाब से क्लिपबोर्ड मैंने आपको समझा दिया, लेकिन उसमें कल मैंने एक वीडियो भेजा था, उसमें था पिक्चर लिंक, उसमें कई सारे लोग पिक्चर लिंक पिक्चर लुकअप, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के अंदर जो पिक्चर लुकअप है उसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? ठीक है जी सर, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय सर। हेलो, हाँ बोलिए सर, एक रिक्वेस्ट था, मेरे को परसों की वीडियो मिल सकती है? एक्चुअली मैं सर ऑफिस से लेट हो गया था मैं आने में परसों। हाँ परसों,
कल जो वीडियो लिंक भेजा था ना, उसमें परसों की क्लासेस इंक्लूड है। अच्छा, कल वाली में ही दोनों, जो दो जी वीडियो थी। हाँ ठीक है सर, ओके 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 सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू।